गुजरात चुनाव प्रचार में वार पलटवार का दौर जारी है, जहां बीजेपी कांग्रेस पर आरोपों की बौछार कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी गुजरात में सत्ताधारी बीजेपी से जवाब मांग रही है। इसी फेहरिस्त में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम से अपना 13वां सवाल पूछा, जिसमें उन्होंने पीएम के जवाब नहीं देने पर उन्हें मौन साहब की संज्ञा दी। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालों की बरसात किए हुए हैं। राहुल अपने 13वें सवाल में मोदी सरकार की जवाबदेही से लेकर लोकपाल के मुद्दे को उठाया है। इसके साथ ही कई घोटालों का भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी के मौन पर भी चुटकी ली है। साथ ही मोदी सरकार के अच्छे दिन के वादे पर भी तंज कसा है। राहुल गांधी ने पूछा कि आखिर पीएम मोदी ने किसके अच्छे दिन के लिए सरकार बनाई है। राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा, कहते थे देंगे जवाबदेह सरकार, किया लोकपाल क्यों दरकिनार, जीएसपीसी बिजली मेट्रो घोटाले शाहजादा पर चुप्पी हर बार, मित्रों की जेब भरने को है बेकरार, लंबी है लिस्ट और मौन साहब से है जवाब की दरकार, किसके अच्छे दिन के लिए बनाई सरकार। गौरतलब है कि 22 साल से गुजरात में राज कर रही बीजेपी से कांग्रेस विकास का हिसाब मांग रही है। इसी क्रम में राहुल ने अब 13वां सवाल भी पूछ लिया है, लेकिन राहुल के सवालों पर बीजेपी ने अब तक चुप्पी साध रखी है। निबिलाइव की रिपोर्ट।